चैनल कैसे हैं सब आए अच्छे होंगे और अभी सुबह के बज रहे हैं साढ़े नौ खाना वगैरह कुछ भी नहीं बना है क्योंकि बच्चों का हाँ लंच बन गया है बच्चे स्कूल जा चुके हैं और हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं लेकिन खाना नहीं बनाया क्योंकि आपकी मेड ने छुट्टी कर ली है और मुझे पहले पता नहीं था तो इसलिए बर्तन धुले नहीं थे और थोड़ा सा लेट भी हो गई हूँ इसलिए खाना जो है वो मैं नहीं बना पाई हूँ तो बनाऊंगी बाद में बर्तन धोंगी बाद में और अभी बस नहा कर की आई हूँ तो पहले मैं चाय चला देती हूँ सबसे पहले बन रही है वैसे तो बच्चों का खाना बन गया है लेकिन तो अभी तो फिलहाल खाना बनाने से पहले आज झाड़ी में चाय बनती है पहले वैसे आप सब मुझे ये बताइए कि जिस एरिया में आप लोग रहते हो वहां पर ठंड पड़ने लगी है कि नहीं क्योंकि मथुरा में तो अब अच्छी खासी ठंड जो है वो पड़ने लगी है और अभी मैं चाय बना रही हूँ ना तो मेरा मन अब अंदर बैठ के चाय पीने का मन ही नहीं करता है मन करता है कि धूप में ही जाकर के बैठो बट हाँ ज्यादा तेज धूप होती है ना तो फिर मैं नहीं बैठती हूँ थोड़ा सा ये नहाने के बाद तो मेरे को लगता है कि जब नहा कर के आओ ना तो धूप में बैठो और अभी भाई बस आया है वॉशरूम से तो उसके लिए भी मैंने चाय जो है वो बना आई है और छान दे रही हूँ तो उसे भी दे दूंगी फिर मेरे मतलब चाय पी रही थी तो एक पार्सल आ गया मेरा तो फिर उसको लेने चली गई थी और चाय वगैरह पीने के बाद ये देखिए भाई लैपटॉप में अपना वर्क कर रहा है वर्क फ्रॉम होम में है तो पैर से मैं खेलती पैर से चला रहे हो क्या लैपटॉप तो ये दिखा रहा था पैर से कहाँ हाथ से चला रहे हैं और अब चाय वगैरह पीने के बाद अब मैं बर्तन धुल रही हूं क्योंकि बर्तन जो है ना वो ज्यादा पड़े हैं और मेड़ ना लेट आती है और कल शाम को भी नहीं आई थी तो इसलिए ज्यादा हो गए हैं और इसीलिए खाना भी नहीं बन पाया तो जो मेरे को बर्तन अभी ज़रूरत थी कुकर वगैरह क्योंकि खाना कुछ नहीं बनाया तो सारे बर्तन ही मुझे धुलने पड़े लेकिन फिर भी मैंने थोड़े बहुत तो थो छोड़ ही दिए हैं और धुल दिए हैं क्योंकि मिल्क वगैरह भी रखा था बॉईल करने के लिए भी कुछ भी नहीं हुआ है तो वो सब मैं बॉयल कर ले रही हूँ और देखते हैं आज खाना क्या बनाना है बर्तन धुलने के बाद थोड़ा सा मेरे से पानी जो है वो यहाँ पे गिर जाता है तो मैंने वाइपर कर दिया है तो वो सूखता रहेगा और ये जो मिल्क रखा है उसे रख दे रही हूँ पहले बॉयल करने के लिए जब ये मिल्क बॉयल हो जाएगा क्योंकि थोड़ा लेट भी हो गया है साढ़े दस या ग्यारह बज गए थे बर्तन धुलते धुलते और थोड़ा इधर तरफ भी सामान बिखरा था तो वो सब भी मैंने सेट कर दिया है और अभी चलिए आपको दिखाती हूँ एक पार्सल ओपन करके ये दूसरा एक्चुअली उस टाइम आई थी वो कुर्ती थी तो मैंने रख दिया अभी ओपन नहीं की है क्योंकि उस टाइम मेरे पर बहुत काम थे अभी थोड़ा फ्री थी मैंने कहा चलो इसको ओपन करते हैं और ये मंगाई है मैंने पोटली वैसे बहुत सुंदर लग रही है बट जिस ड्रेस के साथ मुझे इसे लेना है ना तो उससे इसका कलर जो है वो मैच नहीं कर रहा बिल्कुल तो मुझे इसे रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि अच्छी नील मतलब अच्छी तो है लेकिन उसका कलर जो है ना वो नहीं मैच कर रहा है और अभी खाने में देखती हूँ क्या बनाऊंगी उससे पहले घर की साफ सफाई कर दूँ क्योंकि जिस दिन मेड नहीं आती ना उस दिन मेरे पर बहुत ज़्यादा काम फैल जाते हैं और पूरा मतलब टाइम टेबल ही एकदम चेंज हो जाता है क्योंकि हम जब उठते हैं तो हमें लगता है हमें ये ये काम करने लेकिन एक्स्ट्रा हो जाता है अब जैसे बर्तन धुले हैं तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम लग गया और उसकी वजह से इधर जो घर है बिखरा भाई सुबह उठो तो बच्चों को जब स्कूल भेजो ना तो उस टाइम इतना हड़बड़ी रहती है कि समझ में नहीं आता है बस ये होता है जल्दी जल्दी इन्हें स्कूल भेज दो बाकी जो बिखर रहा है वो तो हम रखते रहेंगे आराम से तो बस आप देख सकते हैं कितना ज्यादा घर मेरा बिखरा हुआ है और बाहर बालकनी में भी टॉयज़ वगैरह पड़े थे तो वो सब भी रख दिया है और भाई के रूम भी अभी गंदा है तो वहां का बेड दो तीन दिन से तो मैं वैसे तो साफ कर देती हूँ लेकिन ये लोग बच्चे लोग ना खेलते रहते हैं तो घर गंदा ही हो जाता है चाहे जितना आप साफ सफाई कर लीजिए तो बस वही बेड थोड़ा झाड़ रही थी ये लोग ना टेंट हाउस अपने यहाँ पर रख के खेलते रहते हैं तो गंदा हो गया था तो बस बिस्तर वगैरह झाड़ दिया है सोफा झाड़ दिया है अंदर वाला भी रूम मैंने क्लीन कर दिया है और अब मैं यहाँ पर लगा दे रही हूँ झाड़ू और उसके बाद अभी लगाना है पोछा और बर्तन धुल गया ना तो एक तरीके से मैं बहुत फ्री हो गई हूँ मुझे लग रहा है मैंने अपना फिफ्टी परसेंट काम जो है वो खत्म कर लिया है क्योंकि बर्तन मुझे धुलना ना बिल्कुल पसंद नहीं है और उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो जाती है क्योंकि बैक प्रॉब्लम है तो ज़्यादा देर खड़े रहना पड़ता है तो दिक्कत होती है मुझे बर्तन धुलने में इसीलिए मैं में में बर्तन धुलती भी नहीं हूँ ज्यादा बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ी तभी धुलती हूँ वरना एक आध टाइम नहीं आती है ना तो मैं बाहर से ही खाना मंगा लेती हूँ और झाड़ू पोछा लगाने में घर को साफ करने में बहुत ज्यादा टाइम हो गया था तो उसकी वजह से अब मैं सोच रही हूँ कि आज मैं सिर्फ खिचड़ी बना देती हूँ तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा दाल और वो मूंग की दाल ली है मैंने और चावल बस इनको थोड़ा सा धुल दिया है और इसमें वेजिटेबल वगैरह कुछ भी नहीं डाली है फिर बच्चे नहीं खाएंगे इसीलिए और बस खिचड़ी बन रही है और उस बीच में बच्चे भी आ गए तो मैंने सोचा चलो खिचड़ी बनने में टाइम है तो थोड़ा इन्हें मिल्क दे देते हैं तो ये लोग पी लेंगे आराम से तो आयना और यशी को मैंने यहाँ पर मिल्क दे दिया है और उसके बाद ये लोग अपना खाएंगे और उसके बाद फिर खिचड़ी भी बनी रही है और उसके बाद खिचड़ी वगैरह हम लोग ने खा ली थी और ये है वीडियो शाम के सात बजे का तो आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ स्पेशल अपने किचन में तो उसी के लिए देखिए मैं सब्जी कट कर रही हूँ और आप लोग गेस करिए कि मैं क्या बनाने वाली हूँ आज इतनी सारी वेजिटेबल्स मैं क्यों कट कर रही हूँ तो ये रहा पिज़्जा बेस और आज मैं काफी दिनों बाद अपने किचन में पिज्जा बनाने वाली हूँ मैंने बहुत टाइम हो गया बनाया नहीं है तो आज आपको चलिए दिखाती हूँ मैं पिज्जा घर पर कैसे बनाती हूँ तो यह जो पिज्ज़ा बेस है वो मैंने मार्केट से मंगाया है और बाकी सब्जियों में टमाटर शिमला मिर्च प्याज ली है और ये जो इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा मैं पिज्जा भी इसमें क्या लगा रही हूँ मुझे बिल्कुल भी अभी एग्जैक्ट याद ही नहीं आ रहा है क्या है तो वो शायद सॉस है पिज्ज़ा सॉस है तो वो ही मैंने लगा दी है और जो सब्जियाँ कट की हैं उसे मैं यहाँ पर लगा दे रही हूँ और चीज़ जो लाई थी वो भी लगाऊंगी और जो सब्जियां लिए हैं ना उसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला थोड़ा सा नमक भी ऐड किया है क्योंकि वैसे ये पिज़्ज़ा सॉस में ना वो नमक रहता है पूरे मसाले रहते हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहती है लेकिन फिर भी मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया और ऊपर से चीज़ डाल दी है और मैं पिज़्ज़ा जो है वो बनाने वाली हूँ कढ़ाई में तो ये देखिए थोड़ा सा एकदम गैस धीमी करके मैंने कढ़ाई पहले से रख दी थी और उसके ऊपर ही मैंने रख दिया है और आपको दिखाती हूँ ये देखिए कैसा पिज़्ज़ा बन के रेडी हुआ है तो पिज़्ज़ा मैंने दो अभी बना लिए दो अभी रखे हुए हैं बनाने के लिए मैंने बीच में हस्बैंड को भेज दिया था कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए वैसे तो मौसम ठंडा है लेकिन पिज़्ज़ा बिना कोल्ड ड्रिंक के अच्छा ही नहीं लगता तो इसलिए मैंने उनको भेज दिया था तब तक मैं इसे कट कर दे रही हूँ फोर स्लाइस की और मैं ना वो भी लेके आई थी चिली फ्लेक्स वगैरह तो वो सब भी मैंने इसमें देखिए डाल दिया है तो आप सभी भी आ जाइए आज पिज्ज़ा पार्टी करेंगे घर में बने हुए पिज़्ज़ा के साथ और चलिए फिर सबको खिलाते हैं और व्लॉग भी यहीं पे मैं एंड करूँगी व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बताइएगा पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाय टेक केयर